Even as Masood comes under fire, another controversy from Uttar Pradesh. A case has been lodged against Samajwadi Party candidate Nahid Hasan for defamatory remarks against Narendra Modi and Mayawati. He was addressing a meeting at Shamli when he made these controversial comments, and a case under Section 171G has been filed against him. लेकिन हमें आप लोगों को यह समझाना है कि हमारा और समाजवादी पार्टी का क्या रिश्ता है। कई स्रोतों से हम लोगों को जो सूचना प्राप्त हुई थी, तो जो वीडियो क्लिपिंग थी मंगा के देखा गया, और उसमें जो शब्दावली थी उससे 171 जी भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव प्रचार के दौरान कोई ऐसी टिप्पणी करता है जो किसी के व्यक्तिक शील या आचरण पर आक्षेप हो या उसका संकेत मिलता हो और उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं हो, तो उस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होती है। और हम लोगों ने उसको देखा, देखने के बाद उस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।